हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन है, तो सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर AP बैंड ऑप्शंस के ज़रिए हॉटस्पॉट की स्पीड को इनक्रीज़ कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने AP बैंड ऑप्शंस के ज़रिए हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट की स्पीड को इनक्रीज़ कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि AP बैंड ऑप्शंस के जरिए हॉटस्पॉट की स्पीड को कैसे इंक्रेस कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन कर लूँगा। ओपन करते ही आप AP बैंड के जरिए हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो कनेक्शंस पे जाना है। कनेक्शंस पे जाकर आपके पास मोबाइल हॉटस्पॉट थैथरिंग सेटिंग्स आ जाएगी। सिंपली आप मोबाइल हॉटस्पॉट पे जाते हैं तो आपके पास ये बैंड ऑप्शंस आ रहा है। कॉन्फ़िगर पे जाकर ये आपका AP बैंड ऑप्शंस है। तो AP बैंड ऑप्शंस के जरिए हॉटस्पॉट एंड इंटरनेट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। AP बैंड पे टैप करके स्पीड को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज भी आप कर सकते हैं। और सेव करते ही आपका बैंड चेंज हो जाएगा और सेव करते ही आप हॉटस्पॉट की स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी F14 5G फ़ोन में। और साथ में ही आपके पास ये ऑप्शंस भी आता है, यानी जैसे अगर आपके फ़ोन में फ्लाइट मोड को भी ऑन करते हैं तो ऑन कर दें, ऑफ कर देंगे तो जो भी नेटवर्क है ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ होके स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर आपके पास मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स हैं तो मोबाइल नेटवर्क सेटिंग्स पे जाकर मोबाइल की नेटवर्क सेटिंग्स को रीसेट करके भी नेटवर्क इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं और इंटरनेट को फास्ट तरीके से चला सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो